दो निर्दोषों को करछना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा ने भेजा जेल। करछना थाना क्षेत्र में पुलिस पर खड़े हुए सवालिया निशान, भाजपा के कुछ नेताओं से दबाव के चलते आज एक गरीब और निर्दोष परिवार के ऊपर भरण पोषण का मंडराया खतरा। कुछ दिन पहले झीरी लक्ष्मीपुर के मजरा मदरा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान बीच एक अधेड़ के हार्ट अटैक से मौत होने की वजह से दो निर्दोषों पर भारी पड़ी और नेतागिरी का ऐसा प्रभाव कि सच आने के बाद भी पुलिस लाचार बनी रही और गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दो लोगों को जेल भेज दी। अब परिवार में दो जवान बेटियां हैं और एक बूढ़ा बच्चा है, जिसे लोगों में तरह तरह के पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश में निर्दोष और गरीबों पर किसी तरह के जुल्म बर्दाश्त नहीं होंगे, लेकिन आज करछना क्षेत्र की पुलिस और नेताओं के दबाव के चलते एक परिवार के पीछे अन्याय के अलावा कुछ नहीं बचा। इस तरह की कार्रवाई पर क्षेत्र की जनता और परिवार के लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया। जब रिटायर्ड अध्यापक माता अंबर विश्वकर्मा को हार्ट अटैक आया तो वहां पर मौजूद बुड्ढा चौकी के दो सिपाही नूतन यादव, वाशिष यादव तथा राजस्व टीम के लेखपाल कैलाश नाथ मिश्रा तथा आदि ग्रामीणों की मौजूदगी में दिल का दौरा पड़ने से गिर जाने से गंभीर चोट आ गई और उनको मौजूद पुलिस के सिपाही भी इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। इस घटना के जिम्मेदार वहां पर मौजूद सभी लोग थे, उनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की गई? सिर्फ विपक्ष के ही लोगों पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया और दो निर्दोष गरीब चक्रवर्ती विश्वकर्मा और दीपक विश्वकर्मा को करछना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा ने जेल भेज दिया। टीवी इंडिया 18 से संवाददाता हरिशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। कहां चल गया? हाँ भाई, हाँ रहे ना मौके पर? आप मौके पर रहे हम? हाँ, क्या मामला है? तो मौके पर रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई। अच्छा, तो आप गिर गए? अच्छा अच्छा, तब उठा कर ले गए लोग। हाँ, उठा के ले गए मोटर के पास। अच्छा, मोटर पर ला गए तब कुछ देरी में। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं भाई? हैं, झगड़ा नहीं हुआ? झगड़ा नहीं भैया। अच्छा अच्छा, तो करे बाद मतलब वो लोग ले गए उनको? हाँ। अच्छा, नाम का आपका? हमार? हाँ, मेरा नाम परसोत्तम है। पिता का नाम? राम खिलावन। गांव? गांव मदरा। ठीक है। रमेश पुलिस अरे क्या पूछत रहे? पुलिस अभी हमको बुलवाई ये चौराहे पे, तो पुलिस पूछ रही थी घटना के समय तुम कहाँ थे। हमने कहा कि हमको लकड़ी घर की जरूरत थी कटवाने की, तो हमने सोचा उसको बुला ले आए लोहार, चकरू लोहार को। तो चकरू लोहार गए तो चकरू लोहार वहाँ घर पे था नहीं, वहाँ उसके घर पे नाप जोक हो रही थी, भीड़ लगी थी, हम भी खड़े हो गए 10-15 मिनट। तो उसी में नाप को कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद में गांव के वो क्या कहते हैं माता अंबर विश्वकर्मा थे और अचानक गिरे, अचानक गिरने के बाद में उनको ले बगल में चारपाई थी उस पर लेटाए, फिर उसके बाद वहाँ गाड़ी खड़ी थी क्या कहते हैं और फोर व्हीलर सफ़ेद कलर की, और उसी पे लेके गए दवा कराने है। तो अब दवा वो गाड़ी कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची यही हमने बताया। अब मारपीट नहीं हुई? मारपीट तो कुछ नहीं हुई वहाँ पे, मौके पर मारपीट नहीं हुई। नाम बताइए सर। किसका नाम? अपना नाम। मेरा नाम तो रमेश चंद निषाद, सनाप सोगी वंशीधर निषाद। गांव मदरा। ठीक। मामला बेटा? हाँ, विवाद हुआ था। कई तारीख को? 3 तारीख सोमवार को। हाँ, तो माता अंबर और नेपाल कैलाश मिश्रा दो सिपाही, और दो सिपाही का नाम नूतन यादव आशीष यादव, माता अम्बर लेके आए थे नपवाने के लिए यहाँ पे, और नाप नहीं हुई और झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और मेरे भाई लेके आए, मेरे पिता को लेके आए, 5 दिन हो गए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं। छोड़ने के लिए बोल रहे थे तो बोल रहे थे आजकल लगाए हैं, और मौके पे सिपाही का माता अम्बर का हार्ट अटैक आया और दो सिपाही ले गए वहाँ रास्ते में, हमको नहीं पता क्या हो गया, वहीं गुजर गए, और मेरे भाई को और मेरे पिता को ले गए, और 5 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बोल रहे थे तो आगे पीछे कह रहे हैं कल छूटेंगे आज छूटेंगे। आप लोग गए थे? हम लोग गए थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे दरोगा जी? बोल रहे थे कि कल छूट जाएंगे आज छूट जाएंगे, अभी रिपोर्ट नहीं आ रही है। कोई घर में दरोगा आए थे यहाँ जाँच करने सिपाही?
हाँ एक आए थे वहाँ के गुंडा चौकी के। कब आए थे? अभी आज आज 9:30 बजे आए थे। क्या बोले? बोल जांच करे पूछे गांव वाले से। चलिए ठीक है।